हाय एंड वेलकम बैक टू दी ऑटोग्रिप। टोयोटा अर्बन क्रूजर ये एक सब 4 मीटर एसयूवी है जो इंडिया में लॉन्च हुई थी सितंबर 2020 में। यहाँ क्रूजर डायरेक्ट कॉम्पीट करती है टाटा की नेक्सॉन, महिंद्रा की एक्सयूवी 300 और रिसेंटली लॉन्च हुई किया की सोनेट से। आज हम देखने वाले हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर के ऑल वेरियंट्स इन डिटेल, ताकि आप इजीली चॉइस कर पाओगे कौन सा वेरिएंट आपके लिए मोस्ट सुटेबल है। सो लेट्स गेट एक्सेलरेटेड। अर्बन क्रूजर 2 ट्रांसमिशन टाइप्स में आती है, फर्स्ट इज मैनुअल एंड सेकेंड इज ऑटोमेटिक। सबसे पहले देखते हैं मैनुअल वेरिएंट्स को। यहाँ पे बेस मॉडल में आता है मिड ग्रेड MT जिसकी ऑन रोड प्राइस है 9.48 लाख। सेकेंड ऑप्शन इज हाई ग्रेड MT जिसकी ऑन रोड प्राइस है न्यू दिल्ली के हिसाब से 10.30 लाख। थर्ड ऑप्शन इज प्रीमियम ग्रेड MT जिसकी प्राइसिंग आती है 11.01 लाख। एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रीमियम ग्रेड MT ड्यूअल टोन जिसकी प्राइसिंग आती है 11.21 लाख। ऑन द अदर हैंड ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट वेरिएंट मिड ग्रेड 80 आता है 11.01 लाख से, हाई ग्रेड 80 आता है 12.45 लाख पे, प्रीमियम ग्रेड 80 आता है 13.20 लाख पे और प्रीमियम ग्रेड 80 ड्यूअल टोन जो आता है 13.48 लाख से। तो शुरू करते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर का बेस्ट वेरिएंट मिड ग्रेड MT के डायमेंशंस एंड इंजन कंपोजिशन से। यहाँ हमें मिलता है 1.5 सीसी का इंजन जो जनरेट करता है 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड अर्बन क्रूजर के डायमेंशंस है 3995 mm की लेंथ, 1790 mm की विड्थ एंड 1640 mm की हाइट और हमें बूट स्पेस मिलता है 328 लीटर्स का। बढ़ते आगे और देखते हैं मिड ग्रेड MT में हमें कौन से सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। यहाँ हमें मिलती है 2 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड सेंसिंग लॉक, कीलेस सेंट्रल लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग। अगर बात करें कंफर्ट फीचर्स की तो हमें बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं स्टार्ट स्टॉप बटन, टिल्ट स्टेयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। अगर बात करें कंफर्ट फीचर्स की तो हमें यहाँ मिलते हैं ड्यूअल टोन इंटीरियर, रियर डिफॉगर, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल ORVM, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, LED DRL हेडलैम्प एंड टेल लैम्प, ग्लो बॉक्स लैम्प, वन टच डाउन विंडोज। अर्बन क्रूजर के बेस वेरिएंट से ही हमें मिलते हैं रूफ रेल्स, रूफ माउंटेड एंटेना, पावर विंडो, 6-way एडजस्टेबल सीट्स, हेडरेस्ट, हेडलाइट एडजस्टर, कैबिन लैम्प एंड क्लैडिंग। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अर्बन क्रूजर के बेस वेरिएंट में हमें जो फीचर्स मिलते हैं वो शायद अदर मॉडल के मिड वेरिएंट में भी ना मिले, क्योंकि हमें यहाँ और फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप, डिस्टेंस टू MT, शिफ्ट इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड एंड एडजस्टेबल कलर ब्राइटनेस। बट व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट फीचर्स, यहाँ ये गाड़ी थोड़ा मार खा जाती है, क्योंकि स्मार्ट कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम, डिस्प्ले, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड, ये सारे फीचर्स यहाँ हमें नहीं मिलेंगे। जबकि CD एंड MP3 प्लेयर्स, ब्लूटूथ एंड म्यूजिक सिस्टम विथ 4 स्पीकर, ये फीचर्स हमें यहाँ मिलेंगे। सो ऑल इन वन अगर देखा जाए तो सेफ्टी में टोयोटा ने मैक्सिमम फीचर्स कवर करने का ट्राई किया है, दैट टू फ्रॉम बेस मॉडल इटसेल्फ। बढ़ते आगे और देखते हैं हाई ग्रेड MT। हाई ग्रेड MT एंड मिड ग्रेड MT ये दोनों कार्स में लगभग 82,000 का प्राइस रेंज का डिफरेंस है। सो देखते हैं हमें यहाँ 82,000 में एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है। By investing 82,000 in this model, हमें यहाँ मिलने वाला है क्रूज कंट्रोल, 8-way एडजस्टेबल सीट, 60-40 स्प्लिट, रियर वाइपर, क्रोम इंटरनल हैंडल्स एंड जो एंटरटेनमेंट फीचर्स प्रीवियस मॉडल में मिसिंग थे वो सारे फीचर्स हमें यहाँ मिलने वाले हैं, जैसे कि एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले, टच स्क्रीन डिस्प्ले, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वॉइस कमांड एंड GPS नेविगेशन। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वेरिएंट, दैट इज
प्रीमियम ग्रेड एमटी। प्रीमियम ग्रेड एमटी और हाई ग्रेड एमटी में हमें लगभग 71,000 का डिफरेंस आता है। तो 71,000 में हमें यहाँ एक्स्ट्रा मिलता है रिवर्स कैमरा, 8-वे एडजस्टेबल लेदर सीट्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट, कूल्ड ग्लोव वॉक्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स। उसके साथ साथ इस मॉडल से हमें LED फॉग लैंप मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ हमें मिलते हैं 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, रियर आर्मरेस्ट, रियर कप होल्डर एंड कुछ ऐसे फीचर्स है जो रिमूव कर दिए गए हैं कंपेयर टू बेस मॉडल, दैट इज CD प्लेयर। अर्बन क्रूजर के टॉप वेरिएंट में आता है प्रीमियम ग्रेड मैनुअल ट्रांसमिशन विथ ड्यूअल टोन। ड्यूअल टोन के लिए हमें लगभग 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, बट फीचर्स में हमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। एक जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन कलर मिलने वाला है। सेकेंड डिफरेंस इज जो ORVM है उनका कलर रूफ कलर के हिसाब से रहेगा। सो गाइज, ये कुछ डिटेल्स थे टोयोटा अर्बन क्रूजर के मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन के बारे में। मूविंग नेक्स्ट, देखते हैं ऑटोमेटिक टोयोटा अर्बन क्रूजर। टोयोटा अर्बन क्रूजर का बेस्ट वेरिएंट ऑटोमेटिक में आता है मिड ग्रेड 80 के नाम से, जिसकी प्राइसिंग है 11.01 लाख, जहां हमें मिलता है 1.5 cc का इंजन, 103 bhp की पावर एंड 138 Nm का टॉर्क। तो देखते हैं मिड ग्रेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हमें कौन से सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। हमें यहाँ मिलता है 2 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, कीलेस सेंटर लॉक एंड सीट बेल्ट वार्निंग। मैनुअल ट्रांसमिशन के बेस मॉडल से अगर कंपेयर करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का बेस मॉडल, तो हील होल्ड कंट्रोल यह एक ऐसा फीचर है जो हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है फ्रॉम बेस वेरिएंट इटसेल्फ। आगे बढ़ के देखते हैं मिड ग्रेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हमें कौन से कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं। हमें यहाँ मिलता है ड्यूअल टोन इंटीरियर, रियर डिफॉगर, बॉडी कलर डोर हैंडल, इलेक्ट्रिकल ORVM, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, LED DRL हेडलैम्प एंड टेल लैम्प, ग्लो बॉक्स लैम्प एंड 1-touch डाउन विंडोज। उसके साथ साथ हमें मिलती है रूफ रेल्स, रूफ माउंटेड एंटेना, पावर विंडो, 6-way एडजस्टेबल सीट्स, हेडरेस्ट, हेडलाइट हाइट एडजस्टर, कैबिन लैम्प एंड क्लैडिंग। अदर फीचर्स में हमें मिड ग्रेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बेस वेरिएंट से ही मिलती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप, डिस्टेंस टू MT, शिफ्ट इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, एडजस्टेबल कलर ब्राइटनेस, ये सारे फीचर्स। मिड ग्रेड 80 ये एक बेस मॉडल है, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ फीचर्स कम मिलेंगे, जो है स्मार्ट कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम, डिस्प्ले, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड। उसकी जगह हमें यहाँ मिलने वाले है CD एंड MP3 प्लेयर, ब्लूटूथ एंड 4-speaker म्यूजिक सिस्टम। बढ़ते आगे और देखते हैं हाई ग्रेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मॉडल इन डिटेल। हमें यहाँ लगभग 1.5 लाख के आसपास एक्स्ट्रा पे करना है कंपेयर टू बेस मॉडल ऑटोमेटिक। सो देखते हैं हमें यहाँ 1.5 लाख में कौन से ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं। इंजन डायमेंशन, सेफ्टी, ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन एंड एक्सटीरियर आर सेम एज ऑफ बेस मॉडल 80। 1.44 लाख में हमें क्रूज कंट्रोल, सनग्लास होल्डर, 60-40 स्प्लिट, रियर वाइपर, क्रोम इंटरनल हैंडल्स एंड 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स। उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट फीचर्स की अगर बात करें तो हमें यहाँ मिलते हैं एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले, टच स्क्रीन डिस्प्ले, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, वॉइस कमांड एंड GPS नेविगेशन। बढ़ते आगे और देखते हैं प्रीमियम ग्रेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। प्रीमियम ग्रेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और हाई ग्रेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लगभग 75,000 का डिफरेंस है। सो आगे बढ़ के देखते हैं कि हमें 75,000 में एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है। 75,000 में हमें मिलने वाला है रिवर्स कैमरा, कूल्ड ग्लो बॉक्स, LED फॉग लैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज एंड 6 स्पीकर। बढ़ते आगे और देखते हैं प्रीमियम ग्रेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ड्यूअल टोन वेरिएंट इन डिटेल। हम यहाँ लगभग 28,000 एक्स्ट्रा पे करते हैं। सो चेक करते हैं
28,000 इज वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। 28,000 एक्स्ट्रा पे करके आपको ड्यूअल टोन कलर का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ साथ आपको रूफ कलर्ड ORVM मिलने वाले हैं। रेस्ट अदर कंपोजिशंस आर सेम एज ऑफ प्रीवियस मॉडल। इफ यू आर विलिंग टू बाय एनी ऑफ द वेरिएंट फ्रॉम टोयोटा अर्बन क्रूजर, तो यहां आप देख पाओगे सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। जो कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही है दैट इज ओनली इन एंटरटेनमेंट सेगमेंट। इट्स अप टू यू, आपको बेस्ट वेरिएंट लेना है, मिड वेरिएंट लेना है या टॉप वेरिएंट लेना है। सो इस तरह टोयोटा अर्बन क्रूजर के ऑल वेरिएंट्स इन डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड होता है। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लांट मोर ट्रीज, सेव मदर अर्थ, गो ग्रीन।